प्रदेश के कृषि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सचिन यादव ने खरगोन जिले के कसरावत के सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में जिला स्तरीय अधिकारियों की हितग्राही मूलक योजना की समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री यादव ने कहा है कि प्रदेश में खरगोन के किसानों को जय किसान माफी योजना अंतर्गत सबसे अधिक राशि खातों में पहुँचाई गई है। यहाँ 66,240 किसानों के खातों में लगभग 38,663 करोड़ की राशि योजना के तहत फसल ऋण माफ किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिले की गौशालाओं को चिन्हित करें। कृषि मंत्री यादव ने यहां कुल 13 विभागों की 30 से अधिक योजनाओं की समीक्षा बैठक की। कसराव से अकील खान की रिपोर्ट। देखिए, समय समय पर जो है सभी अधिकारियों के साथ में बैठ करके जो भी सरकार की योजना है, जो माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा है, उनकी विचारधारा वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, ये कैसे सुनिश्चित हो, इसको लेकर के आज को लिए हमारी बैठक भी आयोजित किया गया था। और बहुत सारे ऐसे प्रयास, बहुत सारी ऐसी नवीन पहले जो हमारी सरकार ने करी है, उदाहरण के तौर पर हमारे जो स्तर का अभियान चल रहा है, जहां पर घर घर जो है हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो है जा करके हमारे बच्चों का परीक्षण कर रहे हैं और पूरी जानकारी एकत्रित करने का काम हो रहा है। ऐसे और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। विशेष रूप से हमारे माता बहन हैं जिनको हमने वचन दिया कि ये सरकार बनेगी तो उनकी पेंशन की राशि को बढ़ा करके हम लोग दोगुनी करने का काम करेंगे। हमने देखा कि लगभग पूरे जिले डबल राशि भी होगी है और उनके अधिकारियों की जो संख्या है संख्या भी जो है बढ़ी। और ऐसे बहुत सारी जो हम पहले हमारे कर्ज माफी पे हमने समीक्षा करी है और एक इस पूरी ऋण माफी की योजना की जो विशेषता है, ऐसे वो तमाम किसान साथ हैं जो कि कई वर्षों से पूरी ऋण की प्रक्रिया से जो है बाहर हो गए थे, उनको दोबारा ऋण की प्रक्रिया में लाने का काम हमारी सरकार ने करा है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी जो है उपलब्धि रही है और पूरे देश में मध्य प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसने इतने व्यापक स्तर पर जो है ऋण माफी का अंजाम देने का काम किया। पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने राष्ट्रीय बैंक हो, चाहे हमारे सरकारी बैंक हो, चाहे हमारे ग्रामीण बैंक हो, चाहे चालू खाता हो, चाहे कालाधन खाता हो, चाहे डिफॉल्टर खाता हो, ऐसे तमाम जो है किसानों का जो है ऋण माफी करने का कार्यक्रम की योजना जो है सरकार ने चलाई है। और अभी बहुत जल्दी जो है हमारी डिजिटल ऋण की जो है शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को जो वचन विधानसभा के चुनाव में दिया है, उस वचन को पूर्ण करने की दिशा में मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आने के बाद आवास योजना वाले बड़े संकट में, उनको लग रहा है कि हमारा क्या होगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी खुले में जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई क्या योजना है आपकी? देखिए, मेरे जितने भी गरीब माताएं हैं, मजदूर साथी हैं, किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी जो है आपके सर पर पक्का मकान और पक्की छत हो, उस दिशा में सरकार हमारी मांग कर रही है। और गरीबों के हित में भी हमने बहुत सारे निर्णय और फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। विशेष रूप से अगर हम देखें कि पिछली सरकार में किस प्रकार से हमारे गरीबों को जो है मिट्टी के नाम पर जो है टूटा लगा जाता था, सरकार बनने के बाद हमने अपने वचन के अनुसार जो है 100 रुपये में 100 यूनिट देने की बात कही थी। उस वचन को पूरा करके हमारे गरीब मजदूर उनकी जो मेहनत की कमाई, उस मेहनत की कमाई को जो पहले बिजली विभागों को देने में, बिजली के बिल चुकाने में जो है लगा देते थे, उसकी भारी बचत करने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है।